नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 दिसंबर तक की होगी ये रीडिंग। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैंसर यानी कर्क राशि हम देखेंगे पूरे दिसंबर महीने में आपका ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। कर्क कैंसर जजमेंट, आप किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोचोगे, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, कोई आपके लाइफ में लौट सकता है जो आपके दिल के करीब है, आपके परिवार, आपके प्यार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, कोई भी जिसके साथ आप पहले जुड़े हुए थे लेकिन अभी आपका रिश्ता उनके साथ उतना नहीं है। ये आपका कोई प्यार वाला मतलब प्यार हो सकता है, शादी के कोई रिश्ते हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आप उनके साथ रिकॉन्सिलेशन के लिए भगवान से प्रेयर करोगे, उनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस है, आप उसी मूड में रहोगे। अभी हम देखेंगे पास्ट की एनर्जी। एस ऑफ कप्स के कार्ड, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, पास्ट में आप अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। आप किसी के साथ हो सकता है रिश्ते में थे, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है तो भी मुझे बोलना पड़ेगा, लव का कार्ड आया है जिसके साथ मिलके आपको लग रहा था कि ये मेरे सोल कनेक्शन है, मेरे सोलमेट है, तो आपका इमोशन जो था वो ओवरफ्लो हो रहा था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ होगा, किसी ने आपको ह्यूमिलिएट किया होगा, किसी ने आपको कुछ कहा होगा जिसके कारण से कुछ परेशानी आई होगी, जिसके लिए पास्ट में ही आपने अपने गलती से तौबा किया, सीखने की कोशिश की, किसी की मदद से आपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश की। कुछ ईगो के कारण आपने किसी से डिस्टेंस मेंटेन किया होगा या फिर किसी और ने किया होगा, जिस जो भी हुआ है आपने जो गलती की थी। वैसे तो आपका इमोशन बहुत ओवरफ्लो हो रहा था, आप लोगों का रिश्ता अच्छा था, लेकिन आपसे कुछ गलती हुआ होगा या फिर किसी और से जिससे भी हुआ होगा सीख आपने ली होगी और आपने खुद को बैलेंस किया, आप अपने चक्रास को हील किए और अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए किसी की मदद से आपने कुछ नया करने की कोशिश की होगी। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, होना ही है, आप प्रेजेंट में अपने बारे में सोच रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट आपके अंदर आ रहा है और आपने सोचना शुरू कर दिया है सिर्फ अपने बारे में, जो आपको अच्छा लगता है, अच्छा खाना पीना, रहना, रहन सहन, स्टेबिलिटी, प्यार, ये सारा चीज़ आप अपने लिए सोच रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, अगर हम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे स्ट्रेंथ के कार्ड, आप अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हो, जो परेशानी पास्ट में आपने प्यार के रास्ते में देखा उसको आप अपने परेशानी को आप काम में झोंक दिया, आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आपने देखा। प्रेजेंट में आप अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हो और धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। हो सकता है अचानक आपके अंदर ये परिवर्तन आया है या मतलब आ रहा है, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक की जो वक्त मैंने बताया, तो ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है। प्रेजेंट में आप में अचानक से एक परिवर्तन आएगा और आप खुद को बदलने लग जाओगे, आपको लगेगा नहीं अपने लिए सोचना है, अपने बारे में सोचना है, खुद के लिए सोचना है, खुद को स्टेबल बनाना है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें ज़रूरी लगता है वही करेंगे, दूसरों के लिए सोच के वक्त जाया नहीं करेंगे। इसके लिए आप हिम्मत जुटा रहे हो, आप फिनेंशियली सबसे ज़्यादा स्टेबल बनने के बारे में प्रेजेंट में सोच रहे हो और अपने मर्जी से हर काम को करने के बारे में सोचोगे या सोचना शुरू कर दिया है आपने। अभी हम देखेंगे फ्यूचर की एनर्जी। फ्यूचर में द हायरोफेंट का कार्ड आया है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, हर चीज़ को आपको लगेगा कि स्पिरिचुअल नज़र से देखना चाहिए, जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो भी होना था वो हो गया, आगे जो भी होगा ये वही करते हैं, हमें
कुछ नहीं करते हैं, आप किसी की शरण में जा सकते हो, घर की बड़े से सलाह कर सकते हो, किसी की मदद ले सकते हो। कोई ऐसे इंसान जो लोगों की मदद करता है, लोगों को सलाह देता है, इसकी सलाह ले सकते हो। आप भगवान की शरण में जाके कुछ डिसीजन ले सकते हो। देखते हैं हेरोफेंट के कार्ड क्यों आए हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, आप कोई नया एक्शन लेना चाहोगे, जैसे कि रिकॉन्सिलेशन का कार्ड आया है पूरे महीने की एनर्जी में, तो आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी का इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ आप एक्शन लेने के बारे में सोचोगे। लवर्स के कार्ड, आप देखो क्या बोले, आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, मेहनत से आपको पता है सब कुछ आपको मिलेगा, तो वो आप करोगे और उसका परिणाम जो है उसका इंतज़ार आपको रहेगा। साथ ही साथ आप अपनी लव लाइफ को लेके, जो पहले ही मैंने कहा कि पास्ट की जो एनर्जी थी उसमें आपने परेशानी देखी, तो आप अपनी लव लाइफ को लेके कोई डिसीजन लेना चाहोगे और एक्शन भी लेना चाहोगे, और आप इस बार जो करोगे वो भगवान के भरोसे करने के बारे में सोचोगे। ये बहुत ही पॉजिटिव बातें हैं कि आप एक्शन तो लोगे, कोई डिसीजन तो लोगे, और जो भी करोगे आपको ये यकीन आ जाएगा कि जो भी आप कर रहे हो इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आपने हीलिंग करना है और आपने करना शुरू भी कर दिया होगा। ये अभी आपका जो पीरियड चल रहा है ये आपकी चेंजेस का पीरियड है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स का गाइडेंस, देखो क्या आ रहा है। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे तब बदल आपके साथ नहीं आएगा। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि मंथ एंड तक आपको कुछ फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है, कुछ अगर आप कुछ चुनते हो जिसमें आपका फिनेंशियल लॉस हो सकता है, लेकिन आपको इमोशनल खुशी, फुलफिलमेंट आपको मिलेगा, परिवार के साथ मिलेगी। परिवार के साथ रह के अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन आपको करना ये है कि आपको समझदारी से डिसीजन लेना है, जो भी करना है भगवान के ब्लेसिंग्स के साथ करना है। कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन कुछ नहीं करना, अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करना, क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है, जब खुद को हील करता है तो गॉड की ब्लेसिंग्स उनको मिल ही जाता है। तो आपको हो सकता है ऐसा कुछ पावर मिले, कुछ क्षमताएं मिले, जिससे आप कुछ भी, आपको लगेगा मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। इसीलिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, जो भी करें अपने परिवार के हित सोच के करें। इसमें अगर आपको कुछ लॉसेस भी हुआ फिनेंशियल, तो आपको एक चीज़ अच्छी मिलेगी, अपने परिवार का साथ मिलेगा, सुख मिलेगी, जो आप चाहते थे वो आपको मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।